हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित। स्वागत है आपका निर्मल नाम के चैनल में। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको मॉडल का लोगो जो बना हुआ है उस तरह से आप कैसे अपने भी चैनल का लोगो या अपने गेमिंग प्रोफाइल पिक्चर का लोगो बना सकते हैं। इसके लिए गाइस मैंने एक पोल भी डाला था अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर कि आपको मॉडल का लोगो बनाना सीखना है या स्काउट का लोगो बनाना सीखना है या दोनों की अलग अलग वीडियो बनाऊँ। तो गाइस रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया, 52% लोगों ने मॉडल का नाम लिया और 29% लोगों ने स्काउट का नाम लिया और दोनों की अलग अलग वीडियो के लिए 19% लोगों ने मेरे को बोला। तो गाइस टाइम देख लो, 1:35 हो रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये जो पबजी का गेम प्ले मैं रिकॉर्ड करके मैंने डाला है, ये मेरा पास पुराना गेम प्ले है। आपको कुछ नहीं करना, पबजी ऑन करना है। अगर आपके पास अभी पबजी है तो पबजी, नहीं तो COD ले सकते हो, फ्री फायर भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का करेक्टर यूज़ करना चाहते हो। मेरे पास पबजी की पुरानी वीडियो पड़ी थी तो मैंने उसमें से इतनी कट कर ली है। आप इसमें से सपोज़ आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली पबजी ऑन करना है, उसमें शॉप में जाना है, शॉप में जाके और आपको बस एक करेक्टर डिज़ाइन कर लेना है अपना, जिस तरह से आप अपना करेक्टर रखना चाहते हैं। सो गाइस मैं तो करेक्टर रख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कार 98 लेके बंदा बैठे खड़ा हो और सिंपल सोबर बंदा रहे, एंड ये हैट वगैरह लगा देता हूँ। कार 98 का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्किन चेंज ही अच्छी लगेगी। और हाँ गाइस, मैं शॉप में इसलिए आया क्योंकि इन्वेंट्री में मेरे पास इतने अलग अलग स्किन्स नहीं है या आउटफिट नहीं है, तो आप शॉप में आके भी पहनकर स्क्रीनशॉट ही तो लेना है अपने को। जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम खोल लेंगे अपना पिक्सल लैब। सो गाइस पिक्सल लैब ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आपको फ्री में मिल जाएगी, फ्री एप्लीकेशन है। आपको पिक्सल लैब में इसको इंपोर्ट कर लेना है और पिक्चर का जो साइज़ रहेगा वो 1x1 का साइज़ रहेगा। अब गाइस इसको आपको इंपोर्ट करने के बाद इसको पूरा का पूरा मतलब जूम क्रॉप कर लेना है। जूम क्रॉप करने के बाद आपको अपने प्लेयर को ही खाली सामने डिस्प्ले पर रखना है और इसके बाद इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे और एक इरेज टूल का यूज़ करेंगे। इरेज टूल का गाइस यूज़ इसलिए करना है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ इरेज टूल का यूज़ क्यों करना है। इरेज टूल से हम इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्लीन करेंगे, जो भी बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड में कलर है उसको हम पूरा क्लीन करेंगे। इससे हम अपने थंब्स को सेट कर सकते हैं कि हम थंब कितना चलाना है, कैसे चलाना है, और ये हमारा फेड है, फैदर भी कह सकते हैं इसको, और ये हमारा ब्रश का साइज़ है सबसे पहले नंबर पे। अब इससे हम ऐसे आराम आराम से तसल्ली से कट करना शुरू करेंगे। मैंने कट करके पहले से ही फाइल सेव कर रखी है। आप गाइस आराम से पूरा टेक मतलब टाइम लेना है, आराम से इसको पूरा का पूरा कट करना है। गाइस इसको कट करने का एक तरीका और भी है जो बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, बस उसमें दिक्कत क्या है, उसमें ये पिक्चर का रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है जिसकी वजह से पिक्चर थोड़ी सी फटती है। और अगर आप वो यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पबजी मोबाइल में वैसे भी जो हमारी पिक्चर लगती है, पबजी प्रोफाइल पिक्चर लगती है, वो बहुत छोटी पिक्चर लगती है, तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। फिलहाल आप इसको देख लीजिए मैं कैसे धीरे धीरे मतलब हल्के हल्के हाथ से पूरा का पूरा टूल ये यूज़ कर रहा हूँ। आपको गाइस हल्के हाथ से ये टूल यूज़ करना है। आप चाहे तो इस सॉफ्टवेयर को अपने PC में यूज़ करके माउस से धीरे धीरे करें ताकि मतलब कि कमी ना हो। आप इस ब्रश के साइज़ को छोटा बड़ा कर करके पूरा का पूरा मस्त कटआउट निकाल लेना है आपको। उसके आपको ऐप स्टोर पे भी बहुत सारे, प्ले स्टोर पे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगी बैकग्राउंड इरेजर की, लेकिन वो काम नहीं करती हैं, इतनी अच्छी एप्लीकेशंस नहीं होती हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगेगा। मुझे 15 मिनट लगा था इसको पूरा का पूरा कट करने में। गाइस अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखा देता हूँ कि आपको दूसरा तरीका कैसे आप गूगल पे जाके डायरेक्ट इस फोटो को बैकग्राउंड फ्री कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली गूगल टाइप करना है। देन गूगल टाइप करने के बाद आपको ये लिखना है यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर, यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आ जाएगी आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपलोड पिक्चर्स पे क्लिक करना है। अब पिक्चर आपको अपलोड कर लेनी है। पिक्चर अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखना आपका बैकग्राउंड हट चुका होगा। ये हमारा ओरिजिनल था एंड इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ये हमारी बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। ये तो शॉर्ट प्रोसेस है, बहुत ही छोटा प्रोसेस है। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपकी जो पिक्चर है वो बहुत ही छोटे साइज़ में क्रॉप होगी तो जूम करने में पिक्सल्स फटेंगे। सो गाइस जैसे मैंने आपको दिखा दिया, 1 मिनट में ये PNG फाइल तैयार हो गई। 1 मिनट भी नहीं लगा, मुझे तो लगता है 20 से 30 सेकेंड ही लगे होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। दो गाइस ऐसे आप इसको इम्पोर्ट कर लेना है। यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करने के बाद
मैंने तो अपनी ओरिजिनल फाइल ली है, मैंने ऑनलाइन वाली फाइल नहीं ली है। थोड़ा सा नीचे से क्रॉप भी कर लेना, साइड से भी क्रॉप क्रॉप करके पूरा एडजस्टमेंट कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना कि आप कैसा किस तरह से रखना चाहते हैं। मैं तो हल्का सा क्रॉप रखना चाहता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैंने इसलिए अपनी फाइल ली है जो मैंने एडिट करी, क्योंकि इसके पिक्सल्स अच्छे हैं तो वैसे जूम भी करूँगा तो इसके पिक्सल्स फटेंगे नहीं, एंड अगर मैं बैकग्राउंड रिमूवर वाली फाइल लेता तो उसके पिक्सल्स फटते। सो इसको बिल्कुल जूम आउट सब कुछ ओके करने के बाद हम इस पर स्ट्रोक लगाएंगे ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का स्ट्रोक देंगे, ज़्यादा हैवी स्ट्रोक नहीं देंगे। उसके बाद इसमें हम बैकग्राउंड लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर में जो यूज़ करेंगे, अब हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। मैंने ग्रेडियंट पहले से सेट किया हुआ है, ये ब्लू और लाइट ब्लू कलर का। आप इस पर प्लस पे क्लिक करके आप ग्रेडियंट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट के, अपने हिसाब से कलर रखिए। गाइस मैं तो ब्लू रख रहा हूँ, ठीक है बैकग्राउंड लाइट बैकग्राउंड अच्छा बैकग्राउंड है। इससे पहले मैंने ऑरेंज भी रखा था लेकिन वो इतना अच्छा निकला नहीं, ऑरेंज और वाइट कलर रखा था मैंने, अच्छा आया नहीं। एक डार्क ऑरेंज और मैंने ब्लैक रखा था वो भी अच्छा नहीं आया, सो मुझे यही कलर अच्छा लगा। और मैंने ग्रेडियंट इसमें बीच में दिया, सेंटर में इसके सर के ठीक पीछे। इसमें आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। सो गाइस इसमें एक टेक्स्ट हमें ऐड करना है। अब इसमें अपना गेमिंग नेम या आपका चैनल का नेम जो भी आप वो लिख लीजिए, जैसे मैं अपना गेमिंग नेम लिखने वाला हूँ, इसमें बोल्ट रोहित लिखने वाला हूँ, एंड सॉरी गाइस रोहित, सो ROIT लिखना है यार, अरे क्या भांग खा ली मैंने, ROIT। सो अब बोल्ट रोहित लिखने के बाद अब इसमें आपको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेना है, और मैंने नीचे से क्रॉप इसीलिए किया था क्योंकि मैं अपना जो टेक्स्ट है वो मैं नीचे ही रखने वाला था। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉन्ट चेंज करेंगे। तो मैंने कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं, मैं वो यूज़ करूँगा। मेरा सबसे अच्छा फॉन्ट, मुझे सबसे सिंपल सुपर फॉन्ट ये लगता है, नाइट शिफ्ट डेमो इसका नाम है। सो इसके बाद इसका थोड़ा फॉन्ट का कलर वलर चेंज करेंगे, तो मैं फॉन्ट का कलर वाइट ही रखने वाला हूँ, सिंपल वाइट रखने वाला हूँ, कोई कलर नहीं रखूँगा। तो फॉन्ट का कलर वाइट रखने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा स्ट्रोक भी दे देता हूँ, सॉरी वाइट नहीं रखा, पहले स्ट्रोक दे रहा हूँ, देन इसके बाद मैं कलर दे देता हूँ। इसमें कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कलर पर क्लिक करके, एंड वाइट सबसे आगे ही है, इस पर क्लिक कर दे, क्योंकि वाइट अच्छा निकल गया रहा है कलर इस पर। देन उसके बाद इसमें हमें थोड़े से चेंजेस ये कर रहे हैं कि इसमें हमें शेडो देनी है। अब शेडो में हम जाएंगे सीधा शेडो पे इनेबल करेंगे और हल्की सी शेडो देंगे, और आउटर ग्लो भी इनेबल कर देना है गाइस, और ऑफसेट बढ़ाना है ज़रूर, एक्स और वाई दोनों ऑफसेट बढ़ा देना है, एक्स और वाई दोनों लेवल रखना, अपने हिसाब से रख लेना, चाहे तो आप एक्स को बढ़ा लो खाली वाई को मत बढ़ाओ। रिज़ल्ट ये निकल के आएगा अगर आप एक्स और वाई बराबर बढ़ाते हैं तो रिज़ल्ट ऐसा निकल के आएगा, जो मुझे ठीक लगा। इसके बाद गाइस आपको क्या क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है सीधे और सीधे सेव इमेज पे, इस इमेज को डिफ़ॉल्ट में सेव कर लेना। गाइस मैंने इसमें जो 1v1 का 1v1 स्क्वायर लिया था वो HD इमेज है, साफ इमेज है, बहुत ही क्लियर आएगा वो, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे लगाने में, और ना ही प्रॉब्लम आएगी आपको YouTube के लोगों पे लगाने में। हाँ गाइस अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होती है YouTube के लोगों में या प्रोफाइल पिक्चर में इसको लगाने में आपसे नहीं लग पा रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा या Instagram पे मुझे DM कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प कर दूँगा कैसे ये लगेगा। और हाँ गाइस आप जब इस इमेज को ट्राई करना बनाने का, तो प्लीज़ बनाने के बाद मुझे एक उसकी इमेज मेरे को ज़रूर शेयर करना इंस्टाग्राम पे, इंस्टा की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस इंस्टा आईडी मैं आपको बता देता हूँ, पबजी का ज्ञान इंस्टा आईडी हैगी, आप इसको इंस्टा पे सर्च करके आप मेरे को वहाँ पर ये इमेज शेयर कर सकते हैं। गाइस अपने पूरे एफर्ट्स लगाना और कोशिश करना गाइस उस बैकग्राउंड को गूगल से ना रिमूव करके खुद रिमूव करना। और हाँ गाइस एक न्यूज़ और मुझे आपको देनी थी, अब हम रेगुलर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं पबजी मोबाइल, COD, फ्री फायर और आपका क्या नाम है उसका माइनक्राफ्ट का, एंड गेटिंग ओवर इट का, मतलब मटके मैट का, बाकी अगर समझ ही जाओ आगे, इन सब की स्ट्रीम अब हम कर रहे हैं। सो स्ट्रीम में जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं स्ट्रीम में आप भी मेरी स्ट्रीम में आप भी अब खेल सकते हैं वहाँ पर आके। मैं कस्टम रूम जो बनाऊँगा उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मैं आपको रूम का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आके ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। सो अब आपसे एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि आपको स्काउट के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, स्काउट के लोगों के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, जिनको चाहिए प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो गाइस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वो भी मुझे बताना। और जिन्होंने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड बी सेफ। भाई सब ध्यान रख लो, कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही है। बाय बाय।